नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 की। आईपीएल 2021 सस्पेंड हो चुका है, ये खबर तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन राजीव शुक्ला ने कहा है कि आईपीएल सिर्फ सस्पेंड हुआ है लेकिन रद्द नहीं। अगर आईपीएल रद्द नहीं किया गया तो क्या आईपीएल इस बार होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये आईपीएल भारत में होगा या फिर यूएई के अंदर होगा? क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं कि भारत में आईपीएल नहीं कराया जा सकता तो यूएई में कराया जा सकता है। तो ऐसा क्यों है कि यूएई ज़्यादा सेफ नज़र आ रहा है भारत के मुकाबले? तो ये तो साफ है कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यूएई में थोड़ा कंट्रोल है कोरोना वायरस की स्थिति। लेकिन आज मैं 3 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा कि यूएई अभी इस समय आईपीएल कराने के लिए ज़्यादा बेहतर क्यों है भारत से। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि जिस तरीके से पिछले साल आईपीएल कराया गया था यूएई के अंदर, वो सक्सेसफुल रहा था, भारत का वो अच्छा एक डिसीज़न था बीसीसीआई ने जो लिया था, और आईपीएल को उन्होंने दुबई में कराया तो सक्सेसफुल रहा वो सीज़न, और मुंबई इंडियंस ने अच्छे से वहाँ पर बल्लेबाजी करके वह पूरा टूर्नामेंट जीता था और अच्छा वो टूर्नामेंट रहा था। तो पिछला आईपीएल जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आईपीएल वहाँ पर अच्छे से कराया गया था भारत के मुकाबले। अब 2021 में जब भारत में आईपीएल किया गया तो पहले से लोगों को डर था कि यहाँ पर कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा है, खिलाड़ियों को कोरोना वायरस हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी कोरोना वायरस की चपेट में आए, उसके बाद रिद्धिमान साहा, सनराइज़र्स हैदराबाद के विकेट कीपिंग बल्लेबाज, उनको भी कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद बीसीसीआई को निर्णय लेना था कि आईपीएल सस्पेंड उन्होंने किया भी। और उसके बाद जब भारत के बाद यूएई का नाम आने लगा है तो लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट ये है कि जो विदेशी खिलाड़ी थे जो भारत में आ रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा डर था। एडम जंपा ने जब भारत में आईपीएल खेल रहे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, और जब वो ऑस्ट्रेलिया वापसी चले गए तो उन्होंने वहाँ पर जाकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जो बायो बबल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब वह यूएई के अंदर आईपीएल किया गया था तो उस दौरान जो बायो बबल था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और हर खिलाड़ी उसमें सेफ महसूस कर सकता था। तो जो विदेशी खिलाड़ी थे उनका जो मानना था कि भारत के अंदर जो बायो बबल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और ये सच भी था कि भारत के अंदर जो बायो बबल था वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था यूएई के मुकाबले। अब मैं आपको तीसरे पॉइंट में ये समझाऊंगा कि भारत के अंदर बायो बबल स्ट्रांग क्यों नहीं था और यूएई में क्यों था। तो आपको बता दूँ यहाँ पर कि यूएई के अंदर बायो बबल इसलिए सेफ था क्योंकि यूएई के अंदर जो मेन 3 स्टेडियम हैं, शारजाह स्टेडियम मिलाकर जो तीनों स्टेडियम हैं, वो बहुत पास पास हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत के अंदर तो पहले चेन्नई और मुंबई के वानखेड़े में यह मुकाबले हो रहे थे, और उसके बाद दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबले कराए गए, और उसके बाद अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पर बहुत सारे मुकाबले किए गए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फ्लाइट्स यूज़ करनी पड़ती थी और ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स चेंज करने पड़ते थे, ज़्यादा डिस्टेंस था, तो बायो बबल इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था भारत के अंदर। वहीं यूएई के अंदर पास होने की वजह से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता था और बायो बबल हमेशा स्ट्रांग रहता था और खिलाड़ी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे। आपको क्या लगता है कि आईपीएल कहाँ होना चाहिए, भारत में या दुबई में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।